मायापुर में चंद्रकला एक रुदाली का काम करती थी, जिसको किसी की मौत के बाद आखिरी क्रियाकर्म करने के लिए बुलाया जाता था। चंद्रकला के साथ नीति नाम की एक लड़की पिछले 12 साल से रहती थी, जिसे चंद्रकला ने रास्ते से उठाया था और उसे अपनी बेटी ही मानती थी। बचपन में नीति के साथ एक बहुत अजीब घटना हुई थी, जिसके बाद से जब भी उसको कोई घाव होता था वो अपने आप भर जाता था और इसी वजह से चंद्रकला उसे सबसे दूर रखती थी। चंद्रकला नीति को वहाँ से लेकर जा ही रही थी, पर तभी मृत लड़की के पिता ने कहा, अगर तूने मेरी बेटी का क्रियाकर्म नहीं किया तो तेरी इस बेटी की मौत भी यही तय कर दी जाएगी। नीति को कुछ गांव के लोगों ने पकड़ लिया था। मजबूरी में चंद्रकला ने हाँ कहा और अगले दिन उसने गांव के सबसे बड़े शमशान में उस लड़की का मृत शरीर रख के क्रियाकर्म शुरू किया। तभी नीति के मुंह से चीख निकली और उसके बदन में अपने आप पुराने जख्म उभरने लगे। उसका सारा शरीर खून से लाल हो गया। सब लोग डर के भागने लगे। मुझे बचा लो आंटी। चंद्रकला नीति की ओर भागी, पर नीति का अपने ऊपर कोई काबू नहीं था। उसने अपने से दो गुनी बड़ी अपनी आंटी को आसानी से पीछे धकेल दिया। चंद्रकला ने तुरंत उठ के एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन नीति पर उसका कोई असर नहीं हुआ। भागते हुए गलती से नीति ने उस मरी हुई लड़की को छू लिया और छूते ही वहाँ का मौसम बदल गया। बिजली और घनघोर बारिश। नीति वही बेहोश हो गई। चंद्रकला ने अकेले ही उसी मरी हुई लड़की का क्रियाकर्म किया और नीति को घर ले आई। तूफान अगले दिन भी जारी था और नीति अभी भी बेहोश थी। तभी एक आदमी भागते भागते चंद्रकला के घर आया। चंद्रकला, जो लोग कल क्रियाकर्म में आए थे सबकी एक एक करके मौत हो रही है। कहा था ना मैंने अनहोनी होगी, काली शक्तियाँ इस गांव में वापस आ गई हैं। इतना सुनते ही वो आदमी जमीन पर गिर पड़ता है और उसके मुंह से खून बहने लगा। आखिर क्या सच है नीति की शक्तियों का और क्यों नीति उस मरी लड़की को छू के बेहोश हो गई? ऐसा क्या रहस्य था उस लड़की की आत्महत्या के पीछे और क्यों उसके क्रियाकर्म के बाद गांव वालों की मौत होने लगी? आखिर कैसे जानती थी चंद्रकला इस सब के बारे में? ये कहानी अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए ये इंटरेस्टिंग रहस्यमयी और मायावी कहानी।